ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास और भारत की पहल पर विशेष कार्यक्रम। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तेषां नित्याभ्युक्तानां योगं क्षेमं वहमयम्, यानी सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। योग भी कुछ वैसा ही है। शरीर और मन के बीच संतुलन साधने की कला है योग। गीता का ये संदेश है कि योग की शरण में आओ और समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाओ। कोरोना काल में योग ने अपनी ये महत्ता फिर साबित की है। तन से लेकर मन तक को संतुलित करने की क्षमता ने लोगों को महामारी से जूझने की अद्भुत ताकत दी है। न सिर्फ ताकत बल्कि मानसिक बल भी दिया है। सदियों से प्रमाणित योग की इस क्षमता को दुनिया जानती रही है, लेकिन समय का प्रवाह कहें या बदले वक्त की सोच, दुनिया इस अद्भुत भारतीय पारंपरिक ज्ञान को भूलती जा रही थी। इसी बीच आई 27 सितंबर 2014 की तारीख। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की इस ताकत की ओर दिलाया था। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। वैश्विक मंच पर ध्यान दिलाने का असर होना ही था। विनम्र लेकिन दमदार आवाज और अपनी भाषा में रखी गई बात को दुनिया ने समझा। विश्व की ताकतों ने समझा कि बदलते वक्त की चुनौतियों से पार पाने में मनुष्य का बड़ा मददगार हो सकता है योग। और इस सोच के बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में 177 देशों ने एक मत से 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया और इसके साथ ही रच दिया गया नया इतिहास। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखते वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो कहा था उसे भी याद किया जाना चाहिए। योगा कैन सर्व एज अ परफेक्ट एंटीडोट टू स्टेम सच नेगेटिव टेंडेंसीज एंड मूव अस ऑन अ पाथ ऑफ हार्मनी एंड पीस। आई एम कॉन्फिडेंट दैट योगा कैन ऑल्सो बिकम अ पोटेंट टूल फॉर द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड एंड एमिटी इन द फाइनेस्ट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। आखिर क्यों 21 जून को ही योग दिवस मनाना तय हुआ? ये सवाल अब भी बहुत से लोगों के मन में उठता है। इसी दिन सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे पड़ना शुरू होती हैं। इसे सूर्य का दक्षिणायन होना कहा जाता है। भारतीय परंपरा में दक्षिणायन वाले समय को आध्यात्मिक यात्रा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, इसीलिए योग दिवस के लिए इसी तारीख को चुना गया और नाम दिया गया अंतर्रो योग दिवस। भारतीय क्षमता की वैश्विक स्वीकार्यता ही है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 84 देशों में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी कमान खुद संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बान की मून ने संभाली। इस मौके पर भारत की आध्यात्मिक संपदा को मून ने इन शब्दों में स्वीकार किया। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ योगा प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। This is a wonderful addition to the United Nations calendar. I commend His Excellency Prime Minister Narendra Modi and the government of India for taking this initiative to spread the practice of yoga far and wide across the world. Of course, yoga is already immensely popular around the world. Yoga does not
discriminate. To varying degrees, all people can practice regardless of their strength, age or ability. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत में धूमधाम से मनाया ही जाना था। वैश्विक मंच पर भारतीय विद्या की मान्यता के उत्सव का प्रमुख केंद्र रहा राजधानी दिल्ली स्थित राजपथ, जहां 37,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था, भारत इस बात के लिए गर्व अनुभव करता है कि यूएनओ ने इस विषय को आगे बढ़ाया, दुनिया के 177 कंट्रीज ने उसको को स्पॉन्सर किया और भारत की अनमोल विरासत आज विश्व की अनमोल विरासत बनी है। तब से हर साल पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए हर साल एक थीम तय की जाती है। इस साल की थीम है बी विद योग बी एट होम, यानी योग के साथ रहिए घर पर रहिए, जबकि साल 2020 में थीम थी घर में रहकर करें योग। कोरोना की महामारी ने तमाम उत्सवों से हमें दूर कर दिया है, इसी वजह से सर्वजन का योग दिवस भी निजी आयोजन होने को मजबूर हो गया है। महामारी के चलते ये दूसरा मौका है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जा रहा है। पिछले साल भी इसे निजी तौर पर ही मनाया गया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, जो हमें जोड़े साथ लाए वही तो योग है, जो दूरियों को खत्म करे वही तो योग है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। जन जन तक सेहत की चेतना फैलाने में योग दिवस ने बड़ी भूमिका निभाई है। मौजूदा दौर में इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को ही जाता है। लोगों के बीच योग को ले जाने की उनकी मंशा ही थी कि साल 2019 में उन्होंने रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व किया था। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान ही नहीं है, बल्कि ये मन को भी स्वस्थ रखता है। पतंजलि ऋषि की ये अमोल देन न सिर्फ तन से मन की यात्रा की गवाह होती है, बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धियों का जरिया भी है। लगातार भागती दुनिया इन दिनों कोरोना के चलते ठहर सी गई है। जब भाग रही थी तब भी वो बेचैन थी, परेशान थी। कोरोना काल में वह मानसिक दबाव से जूझ रही है, लेकिन इन सब परेशानियों का एकमात्र समाधान है योग की शरण में जाना। महामारी के वक्त में योग ने इसे साबित भी किया है। आइए हम अपनी जिंदगी में योग को अपनाएं और तन और मन को स्वस्थ रखने की इस अद्भुत विद्या का लाभ उठाएं। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास और भारत की पहल पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।